मुझे आपका पर्स रास्ते में पड़ा मिला था। आईडी में आपका एड्रेस लिखा था तो हमने सोचा आपको देने आ जाए। थैंक यू जी। मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। बुरा ना मानो तो हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं। आपने अपना सारा कीमती सामान निकालकर एक तरफ रख दिया और इस 10 के नोट को आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसे आपके लिए बहुत कीमती हो। कुछ कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि दुनिया की दौलत भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। ये 10 का नोट उन्हीं चीजों में से है। ऐसा क्या है इस 10 के नोट में? दरअसल ये 10 का नोट मेरे डैडी ने मुझे आखिरी बार दिया था जब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने मुझे ये नोट दिया और चले गए। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा। बस जब भी इस नोट को देखता हूं तो उनको अपने करीब पाता हूं। बातों बातों में तुम्हारे बारे में पूछना भूल गया। मेरा नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो वगैरह। वैसे नाम तो हमारा नवाजिश है। हम मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। यहाँ आए थे नौकरी करने के लिए। जिसने बुलाया था बहुत मुश्किल में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर चाचा से मिलना है। शाकिर चाचा यहाँ नहीं रहते। शाकिर चाचा यहाँ नहीं रहते? लेकिन अब्बू को तो उन्होंने यही एड्रेस बताया था। नहीं, गलत एड्रेस दिया होगा। मैं तो 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। 5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? ठीक है, शुक्रिया। सुनिए, ये आपको कुछ पता हो शाकिर चाचा के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। Thank you.
एक गिलास पानी मिलेगा। आज मैं इस दुनिया का सबसे लाचार आदमी महसूस कर रहा हूं। हाथ पैर होते हुए भी मैंने भीख में मिले रुपयों से अपनी भूख मिटाई। मैं उन रुपयों से खाना नहीं खाना चाहता था, पर भूख बहुत तेज लगी थी, मुझसे बर्दाश्त तक नहीं हो रही थी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब तो उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही है। बस अब मुझे कहीं से गांव वापस जाने के लिए रुपए करने हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुमने इस पर्स में से पैसे क्यों नहीं निकाले? निकालना तो चाहा, पर निकालने के लिए हिम्मत ना जुटा पाया। क्या करूं, कुछ परवरिश ही ऐसी मिली है। अच्छा, आपसे मिलकर खुशी मिली, मैं चलता हूँ। रुको, आ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाए। लेकिन किस्मत तो तुम्हें यहाँ लेकर आई। समझा नहीं। सुनो दोस्त, तुमने जो एहसान मुझ पर किया, इसका बदला मैं जिंदगी में नहीं चुका सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो तुम यहीं रहोगे। नहीं नहीं, मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। कोई तकलीफ की बात नहीं, ये तो इंसान होने के नाते मेरा फर्ज है। तो फाइनली तुम यहीं रहोगे। जैसा आप सही समझे। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं निकलता हूँ। इधर किचन है, कुछ भी कभी भी खा सकते हो। ठीक है? ठीक। सफाई हो रही है? ओह, आ गए भाई। मेरी मम्मी कहा करती है, जिस घर में मकड़ी गाले होते हैं उसमें कभी बरकत नहीं होती। अच्छा करा, मैंने ऑफिस में तुम्हारी जॉब के लिए बात की है, वो एक दो दिन में बता देंगे। तुम्हें भूख लगी है? ये तो है। मैं हम दोनों के खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। खाना मैंने बना लिया है, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था। तुमने पहले क्यों नहीं खाया? हमारे घर में सब साथ खाना खाते हैं, और अब्बू कहते हैं साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। ठीक, तो आज से हम दोनों साथ में खाना खाया करेंगे। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, खाना खा लेते हैं। जी मैं ठीक हूँ। जी वो भी बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, वो भी आ गया, उससे आपकी बात करवाता हूँ। जी, तुम्हारे अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारे बारे में शाजेब ने बताया था, और मुझे तुम्हारी चिंता बहुत हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरा फोन ही लग रहा था, ना ही कहीं तेरा पता मिल रहा था। दिन रात मेरी नींद गायब थी।
वो मैंने आपसे बात करनी चाहिए पर बस कुछ और मत कहना। अल्लाह भला करे शाजेब का जिसे तेरी इतनी मदद करी और तुझे नौकरी दिलाई। नौकरी? हाँ अब्बू ऐसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है। ठीक है बेटा अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे गाय को चारा डालना है। जी अब्बू। आपको मेरे घर का नंबर कहाँ से मिला? इंसान अपनी पूरी जिंदगी के बारे में कागज के पन्नों पर लिखता हो, घर का पता ढूंढना में कोई बड़ी बात थोड़ी। लेकिन आपने अब्बू से मेरी नौकरी के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हारे अब्बू कई रातों से तुम्हारी फिक्र में सोए नहीं थे, तो मैंने उनकी बस चिंता दूर करने के लिए एक छोटे से झूठ का सहारा लिया। आपने मेरी नौकरी की बात की? हाँ मैं बताना भूल गया, हमारे एमडी साहब एक महीने के लिए बाहर गए हुए, जैसे वो आ जाएंगे तुम्हारी जॉब लग जाएगी। एक महीना? दोस्त आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं अपने गाँव वापस जाना चाहता हूँ, एक महीने तक तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ की क्या बात है, और रही बात एक महीने की, पूरा शहर पड़ा है, घूमो आराम से। ये लो, ये पैसे रखो। नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता। बस वो काम आएंगे, रखो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे कोर्ट में क्लाइंट से एक केस पर डिस्कस करना है। शाज़िब, शुक्रिया। नवाजिश, शायद किचन में। लगता अभी तक आया नहीं घूमकर। आगे? हाँ सॉरी आ जाने में थोड़ी देरी हो गई। वो आज मुझे मेरे गांव वाला दोस्त मिल गया था तो उसके साथ थोड़ा टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, आओ साथ में खाना खाते हैं। हाँ हेलो, मैंने अपने गांव वाले दोस्त के साथ खाना खा लिया, एक्चुअली बहुत दिन से बाद आया था तो इसलिए। अच्छा तो मतलब आज मुझे अकेले खाना खाना पड़ेगा। हाँ नवाजिश, नवाजिश ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। आज फिर से वही दोस्त मिल गया था और बिना खाने खाए उसने आने नहीं दिया। मतलब आज फिर मुझे अकेले खाना खाना पड़ेगा।
आ गए तुम, सॉरी बाद में बोलना, आओ बैठो। मुझे बताओ ये आखिर चल क्या रहा है? क्या क्या सब? मैं समझा नहीं। मतलब ये सुबह जल्दी जाना, रात को लेट आना, और कुछ बताना भी नहीं। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक दोस्त बिना खाने खाए मुझे आने ही नहीं देता। दोस्त तो मेरे भी हैं, मुझे कोई एक दिन खाना खिलाकर दूसरे दिन पूछता भी नहीं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खाना खा लूं? हाँ हाँ आप खा लो। हाँ ठीक है। अगर इसे सच्चाई का पता लग गया तो, और इसने अब्बू को बता दिया तो, नहीं नहीं मुझे कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? मैं नवाज़िश का दोस्त हाजिर। अच्छा तुम वो हो जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, ना वो मेरे पास आता है ना फोन करता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर है, तूने उसे अपने घर रखा, नशे की आदत डलवाई, तू उसे जो भी खिलवाता है। और लोग कहते हैं नवाजिश अलग अलग तरीके के नशे भी करने लगा है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल भाग यहाँ से। हाँ।